और आज हमारे साथ हैं माया खान। माया खान की तारुफ की मोहताज नहीं है, एज ऑल यू नो शी इज दी बेस्ट। तो आज हम इनका मेकओवर कर रहे हैं, सॉफ्ट पार्टी में जा रही हैं अपने कजन की फैमिली में शादी। तो हमें सॉफ्ट सा विंटर का एक लुक क्रिएट कर रहे हैं, सो हमने हल्का सा प्राइमर पहले लगा लिया है, बहुत कम, और हम लिक्विड फाउंडेशन लगा रहे हैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। As you can see, बहुत ज्यादा हम कंसील नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मेकअप लगाने की नीड नहीं है, बहुत फ्लॉलेस स्किन है। हल्का सा हम नींद ना पूरी करने की वजह से डार्क सर्कल है, जिसकी वजह से हम उसको कवर कर लेंगे। नींद पूरी नहीं है या रोई की आंख, आई डोंट नो, कुछ छुपा रही है मुझे लगता है ये। सो हल्का सा हम आंखों के लिए लगाएंगे, दूसरी आंख को किसी तरीके से करेंगे जी, कोई क्विक तरीके से। अच्छा, फाउंडेशन जो मैंने लगाई है वो मिसरत मिसबा की है, आलमंड शेड है, हल्का सा लव इट लव इट लव इट, सो एमएम की बेस है ये, और हल्का सा नेक पे भी लगाएंगे इस तरीके से। अच्छा अच्छा, मैंने देखा है लोग नाक नेक को और मुंह को बिल्कुल अलग अलग रखते हैं, मुंह पे पूरा लगा देते हैं और नेक छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है, खूबसूरत लगता है, दो टोन नजर आते हैं। ओके, अब हमको लगता है कि अंडर आई हमको कवर करनी है, तो हम कंसीलर नहीं लगा रहे, हम इसी फाउंडेशन को दोबारा से अंडर आई कर रहे हैं, और लगाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, उसको ब्लेंड नहीं करेंगे। जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा तो हम इसको ब्लेंड करेंगे, अंगूठा नीचे करो, हाँ ब्लेंड करेंगे, ताकि हमें कंसीलर की जरूरत ही ना पड़े। एज यू कैन सी, बिल्कुल हमने आंखों के साथ करके लगा लिए हैं, और इसी को हम आंखों के ऊपर भी लगाएंगे इस तरीके से करके, फिंगर टिप की मदद से। यस, तो हमारी जो बेस थी वो कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं। कहीं से अगर आपको लगता है ब्लेंडिंग में कमी है तो आप मुझे बताएं, इनबॉक्स कीजिए, डीएम कीजिए, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि हमने बेस को कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मैक का NC35 हम लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा फाउंडेशन जो हमने लगाई थी वो लाइटर शेड थी, अब हम इस पे 35 पाउडर लगाएंगे, NC35 आंखों के नीचे, टैप 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 टैप। अच्छा, पाउडर थोड़ा सा ज्यादा मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि पाउडर थोड़ी देर में उड़ जाता है, क्योंकि ऑयल जब फेस पे पास होता है तो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, अदरवाइज क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है तेल निकल गया है। जितने भी लोग देख रहे हैं वो बेस को हम पाउडर की मदद से लॉक करेंगे, हल्का सा पाउडर लगाएंगे, हल्का सा हम आंखों पे लगाएंगे इस तरीके से करके, और सी हमारी जो है बेस कंप्लीट हो गई है। मरियम इधर आ बेटा, मेकअप के ब्रशेस हैं। ओके, ये हो गया, अब हम लूज पाउडर लगा, हल्का सा हम फिक्सिंग पाउडर लगाएंगे आंखों के नीचे ब्रश की मदद से, ताकि हमारा जो टी जोन है थोड़ा सा ब्राइट हो जाए, तो हमें बहुत ज्यादा कॉन्टोर नहीं करना पड़ेगा। अब हम करेंगे कॉन्टोरिंग, मेक श्योर करें कॉन्टोरिंग के लिए डार्क ब्राउन कलर लें, वाला पैलेट निकालें। ओके, डार्क ब्राउन पैलेट लेंगे, मैट फिनिश कलर ये देखें, इधर हम ब्लेंड करेंगे, हम दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से ब्लेंड करेंगे, और इधर भी हल्का सा, इधर भी हल्का सा। सी उसके बाद हमने क्या किया, ब्रश की मदद से उसको हमने और ब्लेंडिंग कर ली, सिर्फ पैच ना लगे कहीं। फिर हमें डेफिनेशन के लिए हमने पफ के साथ हमने उसको कंटूर को फाइन कर दिया, एज यू कैन सी कंटूरिंग वाले ब्रश के साथ ही हमने नाक की कंटूरिंग की, क्योंकि नाक वैसे ही बहुत शार्प है, पतला सा छोटा सा नाक है, तो हम बहुत ज्यादा कलर नहीं लगाएंगे, बहुत ज्यादा शार्प नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमारा कंटूरिंग और हमारा फाउंडेशन हो गया, अब हम हल्का सा इसके ऊपर ब्लशर लगाएंगे पिंक, ठीक है। इतनी देर में हमारा ब्लशर बाहर आ रहा है, उसके बाद उससे पहले हम क्या करते हैं, सॉकेट लाइन बनाएंगे मैट फिनिश कलर के साथ। यस, अच्छा,
कॉन्टोरिंग आंख की कुछ भी हो या विंटर समर्स कोई भी सीजन हो वो सेम ही कलर से आप करें सेम कलर से कर, ओके सो ये मैट का एक डीप बर्गंडी कलर ये मेरा फेवरेट कलर है मैंने हल्का सा ब्रश के साथ लिया और सिर्फ मैं एंड पे इस तरीके से करके लगाऊंगा सिर्फ एंड पे मैं क्रीज नहीं बना रहा सिर्फ एंड पे मैं लगा रहा हूँ दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से yes. उसके बाद हम उसको ब्लेंड करेंगे एक ड्राई ब्रश के साथ लाइक दिस हो गया हमने ब्लेंड कर दिया अब हम लगाएंगे आईलाइनर मुझे लाइनर के लिए पानी चाहिए होगा यस हम लाइनर लगाएंगे हो गया मुझे इस तरह से पानी देना yes. Make sure करें कि पानी कम हो प्रोडक्ट ज्यादा हो मैं भी ये पूछने वाली थी कि पानी कितना हो ना पानी कम होना चाहिए प्रोडक्ट ज्यादा मैं चाहती हूँ फाइन लाइन है अब हमने क्या किया कॉर्नर पे एक लाइनर की लाइन मोटी सी खींच ली और उस लाइन को हमने ब्लेंड कर दिया लाइक दिस क्योंकि लाइनर नहीं लगता जब गीला होता है वेट होता है तो आप उसी वक्त ब्लेंड कर ले तो अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है लेकिन सी ये हल्के हाथ से आप उसको ब्लेंड करें और आगे तक लिया है सी आपको ये देखो ठीक है ये हो गया उसके बाद हमने क्या किया फिंगर टिप की मदद से हमने एक हल्का सा डल गोल्ड शेडो लिया और हमने आंख के आईलेट पे लगाया और पानी की मदद से उसको हमने ब्लेंड कर लिया आंखों में सॉफ्टली हमने उसको ब्लेंड कर लिया लाइक दिस ओके उसके बाद हमने क्या किया अब हम इस लाइनर को कंप्लीट करेंगे अगेन प्रोडक्ट हम ज्यादा लेंगे पानी कम लेंगे और अब हम इस लाइनर को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे और आंख आपके एंड पे से हम इसको एक शेप क्रिएट करेंगे लाइक दिस लाइक दिस और उसको भी हम कॉर्नर को ब्लेंड करेंगे लाइक दिस इस तरीके से करके आगे भी ताकि शार्प लुक ना आए लाइक दिस उसके बाद हम आईब्रो बनाएंगे मैट फिनिश कलर लेंगे हम आईब्रो हमने शेप क्रिएट किया और हल्का सा ऊपर लगाएंगे और ब्राउन कलर के साथ हमने आईब्रो क्रिएट किया सी उसके बाद हमने क्या किया जो हमने सॉकेट लाइन में हमने कलर लिया था मरून उसी को लेके हमने ऊपर देखिए अंडर आए सिर्फ कॉर्नर पे ज्यादा लगा दें थोड़ा ताकि आंख खुली भी नजर आए सीधे लुक ओके उसके बाद हमने क्या करना है चपटे ब्रश के साथ मस्कारा भी निकाल के दे दीजिए मुझे फ्लैट ब्रश के साथ हमने क्या किया सेंटर में डार्क कलर कर दिया सिर्फ सेंटर सेंटर भी है उसके बाद हमने क्या किया मस्कारे की एप्लीकेशन की तो हमारा ये एक आई मेकअप कंप्लीट हो गया है इसी तरीके से हम दूसरी आंख पे भी करेंगे मेक श्योर करें कि लाइनर हमारा ज्यादा होगा पानी कम होगा यस ब्यूटीफुल सी तो हमने दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से लाइनर को लगाया कोई शेडो नहीं लगाया हमने इस तरीके से करके और हमने उसकी ब्लेंडिंग शुरू कर दी क्या हम दूसरा लुक दूसरी वीडियो में दिखा दें बहुत बड़ी वीडियो तो नहीं होती ओके सो कंप्लीट लुक के लिए आप दूसरा वीडियो देखें पार्ट टू थैंक यू ये है हमारा आज का फाइनल लुक एज यू कैन सी
गले में हमने चोकर बनाया है, डार्क आईज की हैं और दुपट्टा हमने साइड पर रखा है, बाल हमने ट्विस्ट करके बना दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको लोग ये पसंद आया होगा, आप लोग को ट्राई करें। आंखें आप देख सकते हैं, लिप कलर आप देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हमने ज्वेलरी नहीं पहनाई है, दुपट्टे की सिंपल एक सेटिंग किया है और हाइलाइटर को अच्छी तरीके से यूज़ किया है, कॉन्टोर अच्छा किया है। और आप देखें और बताएं, फीडबैक दीजिए, आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।